कॉलेज भी तो मिस हो रहा है। हाँ यार मुझे टेंशन तो हो रही है, बट मैं क्या करूँ, मुझे उठा ही नहीं जा रहा। क्या हो रहा है बच्चों? गुड आफ्टरनून सर। क्या सोनी, क्या कह रही थी वंदना? अरे सर कुछ नहीं, वो थोड़ी एसिडिटी हो गई थी, फिर ठीक भी हो जाती है सर। अरे क्या ठीक हो जाती है, तुम्हारी मदर का फोन आया था मुझे, कह रही थी सब कुछ कि घर का खाना तो तुम खाती नहीं हो, बाहर का खाना चाहिए तुम्हें। हाँ नहीं सर, सब पता है मुझे, दिन ब दिन तुम्हारे मार्क खराब होते जा रहे हैं, हमेशा बीमार जो रहती हो, कुछ ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेती? अरे सर इन छोटी छोटी चीजों के लिए क्या ही लूँ ट्रीटमेंट, मैं इसकी तरह थोड़ी हूँ कमजोर। ठीक है मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, तुम सबको ये लो पत्थर, इस पत्थर को इस हैमर से तोड़ो, बस हैमर कितने बार चलाया है वो काउंट करना है, 5 मिनट है तुम्हारे पास। ठीक है सर। भी हो गया। हाँ तो बच्चों कितने अटेम्प्ट लगे? सर मेरे तो 10 अटेम्प्ट लगे, पहले तो व्हाइट लाइन आई फिर उसके बाद पूरा ही टूट गया। सर बट मेरे वाले पे तो सिर्फ व्हाइट लाइन ही बनी है। हाँ ये तो पत्थर टूटने की पहली स्टेज थी, बिल्कुल ऐसा ही हमारे हेल्थ के साथ होता है जो आप सबने अभी पत्थर के साथ किया। ये हैमर अटेम्प्ट का काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बीमारी के कारणों का सेवन करते हैं, हमारे लिविंग हैबिटेट, फूड हैबिट, ये सभी व्याधि के कारण ही होते हैं। जैसे सोनी के केस में उल्टा सीधा डेयर करना, वेट लिफ्टिंग करना, यूरिन को रोकना, तीखा भोजन करना, ये सभी व्याधि को ग्रो करने के कारण हैं। पत्थर टूटने से पहले छोटे छोटे साइन देता है, जैसे यहाँ हुआ, वैसे ही हमारी बॉडी में डिसीज होने से पहले कुछ साइन डेवलप होते हैं जिसे हम संचय अवस्था कहते हैं। ये बीमारी की पहली स्टेज थी, जैसे सोनी को अपीयर हुआ एसिडिटी, भूख न लगना जो उसका पहला साइन था, बट उसने उसे भी निग्लेक्ट कर दिया और रोज़ रोज़ के डिसीज के कारणों का उसे एक्सपोजर मिलता रहा। ये बीमारी की नेक्स्ट स्टेज है जिसे प्रसर कहते हैं। अब इसके बाद लगातार हैमर के स्ट्राइक की तरह डिफरेंट डिफरेंट कॉज का सेवन करते रहने से बॉडी सिस्टम के साथ भी वही होगा जो यहाँ पत्थर के साथ हुआ, उसकी कंसिस्टेंसी वीक हुई और वह टूट गया। बिल्कुल ऐसा ही सोनी की तबीयत के साथ होगा अगर उसकी आदतें ऐसी बनी रही तो, एक दिन उसकी बीमारी डीपर लेवल तक पहुँच जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. क्या समझ में आया सोनी? जी सर मुझे ये समझ में आया कि बीमारी के छोटे छोटे लक्षण जब दिखे तभी मुझे डॉक्टर के पास जा करके उसका इलाज करवा लेना चाहिए और वो जो भी प्रिकॉशन बोलते हैं उनको फॉलो करना चाहिए।
अभी मैंने इनको नेगलेक्ट किया तो मेरी इंटरनली बॉडी वीक हो गई। जब बीमारी छोटे लेवल पे होती है उसी समय उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, उसके संबंधित खाने पीने की आवश्यक सावधानियों का ध्यान रखें, जिससे हमारी बॉडी सिस्टम फंक्शनिंग नॉर्मल लेवल पर आ जाए। ना करें बीमारियों के छोटे छोटे लक्षणों को नजरअंदाज, ले उसका समय पर इलाज, बरते सभी सावधानियां निरंतर, जिससे हो सके शरीर फिर से पूरा तैयार।